पूनम पांडे को लेकर हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। एक्ट्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें बताया गया कि अभिनेत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। अभिनेत्री की टीम ने न्यूज 18 से इस खबर की पुष्टि की। आपको बता दें, पूनम पांडे अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रही हैं। वो पिछली बार कंगना रनौत के शो लॉकअप में भी नजर आई थी। हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक्ट्रेस ने कभी अपनी इस बीमारी का जिक्र किया ही नहीं। एक्ट्रेस लॉकअप से लेकर अपनी शादी को लेकर अक्सर चर्चाओं में बनी रहती थी। दरअसल पूनम पांडे ने 2020 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी रचाई थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुशी खुशी इस शादी का ऐलान किया था, लेकिन शादी के 12 दिन बाद ही उनके और सैम बॉम्बे के अलगाव की खबर आ गई। 12 दिन में ही दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए कि इनके तलाक की भी नौबत आ गई और एक्ट्रेस के पति को जेल भेज दिया गया। पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे पर मारपीट के आरोप लगाए गए थे और इसी के बाद पूनम पांडे ने सैम से किनारा कर लिया। पूनम पांडे कई बार विवादों के चलते चर्चाओं में रही हैं। एक्ट्रेस ने 2013 में नशा फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और इसके बाद भी वो कई फिल्मों में नजर आए। इसके अलावा वो कुछ रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ, तहलका मच गया।